भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को उनके बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर ने 15 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा दिया, जिसे लेकर धोनी ने अर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के खिलाफ रांची कोर्ट में क्रिमिनल केस दर्ज कराया है। आज उसकी सुनवाई थी, जिसमें धोनी की तरफ से ऑथराइज्ड पर्सन सीमांत लोहानी ने गवाही दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की गई है। धोनी जी के साथ जो है मिहिर दिवाकर ने, जो कि अर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, और सौम्या जो कि दूसरी डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने धोखाधड़ी किया है और धोनी को गलत ढंग से जो है आर्थिक क्षति पहुंचाया है, जिसके चलते मजबूर होकर के उनको क्रिमिनल केस करना पड़ा। मामला यह है कि इन लोगों ने 2017 में धोनी जी को अप्रोच किया रांची में और बताया कि हम आपके नाम से क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलेंगे, और इसमें जो है सो हम लोग जो है आपको जो फ्रेंचाइजी फीस होता है ये सारा का सारा देंगे। धोनी जी ने उनकी बातों पर विश्वास करके उन्हें जो है अथॉरिटी दे दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी नीयत बदल गई और वो जो है न कोई जानकारी देते थे, न कोई इनको पैसा देते थे एज पर एग्रीमेंट, और सभी जगह जो इनके नाम से जो है खोल रहे थे एमएस क्रिकेट एकेडमी। जब धोनी जी को पता चला तो उन्होंने 15/8/2021 को अपना जो अथॉरिटी था उसको रिवोक कर लिया। उसके बावजूद ये कम से कम हमारी जानकारी के अनुसार 8-10 जगहों पर इन्होंने एमएस धोनी के नाम पर एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी खोला जो है। तो फिर हम लोगों ने इनको नोटिस भी भेजा, नोटिस के बावजूद ये अपने जो गलत ढंग से सुधर नहीं रहे थे और आर्थिक क्षति पहुंचा रहे थे, हमारे अनुमान के अनुसार आज के तारीख में 15 करोड़ से ऊपर का जो है गलत ढंग से आर्थिक नुकसान जो है धोनी जी को पहुंचाया, तो मजबूर हो गए हम लोगों को यहाँ के सक्षम न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर रांची में केस फाइल करना पड़ा, जिसकी आज जो है तारीख थी। आज जो है उनके ऑथराइज्ड पर्सन सीमांत लोहानी जी ने आज सोलेमन इन्फॉर्मेशन ऑन ओथ दिया है और अगली तारीख जो है ये 20/1/2024 को लगी हुई। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।